हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक, ठीक है। और इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 to 10। अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, जाके वो वीडियो देखिएगा। समझ में आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंट्रोडक्शन का भी वीडियो है वो भी देखिएगा। समझ में आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मैथ्स मोड, तो यहाँ पे मैं अभी क्वेश्चन नंबर 11 पे आता हूँ। इस वीडियो में 11 to 20 सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 अभी रीड करता हूँ, क्या दिया है। इंटीग्रेशन ऑफ 8x² डिवाइड बाय x³ + 2 द होल क्यूब दिया, dx इज इक्वल टू। तो इसको इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन का साइन दिख रहा है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, लेट i इक्वल टू, हमेशा मैं बोलता हूँ ऐसा लेने का, इंटीग्रेशन ऑफ 8x² दिया है आपको। नेक्स्ट क्या दिया है, x³ + 2 द होल क्यूब, ठीक है। एक्स का स्क्वायर दिया है, एक्स स्क्वायर है, क्यूब है, सॉरी क्यूब है ये, x³ + 2 का होल क्यूब। अब बच्चों यहां से आपको कुछ तो भी एक समझ में आता होगा कि ऐसे अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे इस क्वेश्चन को तो बहुत ही ज्यादा टाइम जाएगा, और पहली बात तो सॉल्व करना बहुत क्या बोलते हैं मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड अप्लाई करेंगे। अगर आप लोग ने देखा होगा तो उस मेथड का नाम क्या है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन या तो चेंज ऑफ वेरिएबल, ठीक है। वो हम लोग ने इंट्रोडक्शन में देखा था। इसके अलावा मैं आपको बोल रहा हूँ हर वीडियो देखना आपको जरूरी है, कभी भी इंट्रोडक्शन जरूर देखिएगा, उसके बाद ही आपको ये सब एक्सरसाइज का सम सॉल्व कीजिएगा तो इजी हो जाता है। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, इस पार्ट को टी लेंगे, क्योंकि जब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, हम लोग ने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में देखा था, जिसको हम डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमारा dx dt में कन्वर्ट हो रहा है, तो x वाला जो टर्म है वो सारा हमारा dt में कन्वर्ट होना चाहिए। और यहाँ पे आप देखोगे x³ का डेरिवेटिव क्या आता है, 3x², तो हमको 3 नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे 3 हटा देंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करते समझेगा, तो मैंने पहले क्या बोला, पुट या लेट आप लिख सकते हो, टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, x³ + 2, समझ में आ रहा है, जिसका डेरिवेटिव हमें ऊपर मिल जाए, जो पूरे फंक्शन ऑफ एक्स को हटा के टी में कन्वर्ट करना, ये आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए, इसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे इसको अभी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, देयरफॉर डीटी बाय डीएक्स ये क्या हो जाएगा, 3x² x³ का डेरिवेटिव प्लस कॉन्स्टेंट है 0, तो ये क्या हो जाएगा, डीटी बाय डीएक्स इज इक्वल टू 3x² यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, हमको चाहिए क्या, हमको एक्स का स्क्वायर और डीएक्स चाहिए, 3 नहीं चाहिए, 8 चाहिए था, 8 आया नहीं, क्योंकि वो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, 3 भी नहीं चाहिए तो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमको चाहिए क्या चाहिए, x² dx चाहिए, तो हम क्या करेंगे, dt 3 को इधर भेज दो और ये x² आपका dx, समझ में आया। अभी आपका पूरा जो x वाला फंक्शन है वो t के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये इंटीग्रेशन में हमेशा करना रहता है अगर आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हो। तो देयरफॉर i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ ध्यान देना 8 था, 8 तो रहेगा ही क्योंकि 8 को हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं, कॉन्स्टेंट था, तो x² dx मेरा क्या चेंज हो रहा है, dt बाय 3, इसको मैंने साइड में लिख दिया, 8 को यहाँ लिख दिया, आप समझा, आपका न्यूमरेटर देखो सॉल्व हो गया, 8 को वहां लिख दिया, x² dx था मेरा dt बाय 3, ये यहाँ से हो गया। अब इस पार्ट को हम लोगों ने क्या लिया था, t, तो t का क्या आ जाएगा, क्यूब, समझा। अब आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो, तो जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, 8/3, इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब को ऊपर ले लो, टी क्यूब माइनस हो जाएगा ये, और ये यहाँ पे ये हो गया dt। अब x^n का फॉर्मूला अप्लाई करो, इंटीग्रेशन ऑफ 8/3 कॉन्स्टेंट है, तो ये क्या आ जाएगा, t^-3+1 डिवाइड बाय -3+1, यहाँ पे प्लस के कांस्टेंट हमेशा लिखना, तो देयरफॉर आई इक्वल्स टू 8/3, और ये कितना हो जाएगा, t-2, समझ में आ रहा, और यहाँ पे भी ये -2 आएगा, ये प्लस के, समझ में आया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, हाँ तो ये मल्टी यहाँ पे कुछ कैंसल भी हो रहा है, 2 4, समझ में आ रहा, तो ये माइनस साइन भी है, तो ये -4/3 हो गया, और टी का पावर -2 प्लस के। अभी यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, टी का जो वैल्यू है वो हमको रिसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -4/3, टी क्या लिया था हम लोग ने वो आपको याद करो, और हाँ टी माइनस टू है, तो ये डिनोमिनेटर में आके टी का स्क्वायर हो जाएगा कुछ इस तरीके से, समझ में आ रहा है बच्चों, में थोड़ा स्टेप वाइज बढ़ा रहा हूँ, बट आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, -4/3 1/1। अब ये टी अभी क्या लिया था, x³ + 2 यही लिया था, ये स्क्वायर हो गया प्लस ये के, टी यही लिया था ना, x³ + 2, भाई एक बार देख लो, x³ + 2, ठीक है। तो वहां पे मैंने रिसब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारा आंसर फाइनली ये आ गया। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है, -4/3 x³ + 2 द होल स्क्वायर प्लस के, तो ऑप्शन नंबर बी, तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो मैच हो रहा है, तो 11th का ऑप्शन इज बी, समझा। बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस करो और इजी तरीके से आप कर पाओगे, और सिंपल, ठीक है। आप देखोगे तो उसका आंसर बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा, बट प्रैक्टिस चाहिए।
यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 12 रीड करता हूँ, क्या दिया, यूजिंग मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। बच्चों याद रखना पार्शियल फ्रैक्शन इंट्रोडक्शन में देखा है, नहीं देखा वापस रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो जरूर देखे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हूँ, ठीक है। यूजिंग मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन द इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड द आंसर इज, तो इसको आपको इंटीग्रेट करना है बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के डी एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो क्या आएगा, एक्स ए माइनस बी और ए प्लस बी, समझ में आया, तो यहाँ पे अप्लाई किया ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन हमको मालूम है क्या होता है, लेट पूरा जो फंक्शन है 1 अपॉन एक्स माइनस ए ब्रैकेट में एक्स प्लस ए, ठीक है, इक्वल टू ए अपॉन पहला ब्रैकेट, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में भी तीन टाइप्स है, तो ये टाइप नंबर वन में आता है, हम लोगों ने देखा, तो x माइनस ए ए अपॉन पहला ब्रैकेट प्लस बी अपॉन दूसरा ब्रैकेट, समझ में आया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, a और b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वो कैसे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को सेम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, उसका एक तरीका होता है, यहाँ पे समझ लो x माइनस ए ये लिख दिया मैंने, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर आपको कैंसिल करने के लिए x माइनस ए x प्लस ए इधर है, यहाँ पे आपको a के साथ क्या चाहिए, और यहाँ पे भी आपको सेम करना है, तो यहाँ पे मेरे पास x माइनस ए a है, x प्लस ए मुझे चाहिए डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, तो मैं यहाँ पे मैं क्या करूंगा, x प्लस ए a के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहाँ पे भी डिवाइड एंड मल्टीप्लाई a में कर दूंगा, समझा, ये मैं अभी बता रहा हूँ, आगे मैं डायरेक्ट करूंगा इसके लिए, ठीक है। तो हमको यहाँ से मैच करना चाहिए, ठीक है, ये वाले हिस्से से, तो यहाँ पे मेरे पास x माइनस ए है, x प्लस ए है, ठीक है, और यहाँ पे a के साथ मेरे पास खाली x माइनस ए है, तो मुझे चाहिए क्या, x प्लस ए, तो मैं दोनों में a में मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, b में भी सेम करूंगा, b में बट देखूंगा x प्लस ए है, तो मुझे चाहिए क्या, x माइनस ए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस ए और x प्लस ए, और यहाँ पे भी x माइनस ए। अब यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर इधर इधर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो एड हो जाएगा, एड होने के बाद यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, मेरा कहने का मतलब है 1 अपॉन ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स माइनस ए, और आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, समझा। अब ये यहाँ से पूरा ये ऐसा कैंसिल होता है, तो आप यहाँ से दो स्टेप गैप कर सकते हो, समझ में आ, इसके लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया, आगे मैं ऐसे ही करूंगा, अभी आपको समझ आना चाहिए। यहाँ पे 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए। अब हम क्या करेंगे, x को कुछ वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है, जिससे हमारा a और b की वैल्यू हमको मिल जाएगी, वो क्या है हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं, अगर सपोज मुझे अभी b का वैल्यू चाहिए, b का वैल्यू चाहिए, तो मुझे a वाला पार्ट जीरो बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे x को क्या सब्सटीट्यूट करूंगा, माइनस ए, अगर x की जगह पे मैं माइनस ए डालूंगा तो माइनस ए प्लस ए जीरो होके a जीरो हो जाएगा, b की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही सॉल्व करते हैं, वन इज इक्वल टू ये क्या जाएगा, ए ये माइनस ए प्लस ए, और यहाँ पे बी ये माइनस ए, तो ये पूरा मेरा जीरो हो गया ए वाला पार्ट, तो यहाँ पे क्या जाएगा, वन इज इक्वल टू ये क्या जाएगा, माइनस टू ए बी, देयरफॉर बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, माइनस वन अपॉन टू ए, समझा इतना। अब आप क्या कर सकते हो, बी की वैल्यू रखते हो उसमें सब्सटीट्यूट कर दो, या तो एक्स की जगह पे आप क्या करो ए ले लो, एक्स की जगह पे ए आएगा तो बी वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, ए की वैल्यू मिल जाएगी, समझ में आया। तो देयरफॉर पुट एक्स इज इक्वल टू ए ले रहा हूं मैं, तो वन इक्वल टू ए, और यहाँ पे क्या है एक्स प्लस ए, तो ये क्या जाएगा ए प्लस ए, एक्स की जगह पे ए लिखा, और बी वाला पार्ट आपको मालूम है जीरो हो जाएगा, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, तो देयरफॉर वन इज इक्वल टू टू ए ए, ए इज इक्वल टू वन अपॉन टू ए, समझा, कैपिटल और स्मॉल में, समझा, इतना आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, किसमें, ये जो लिया था लेट ये वाला हिस्सा, समझ में आ रहा, तो ए अपॉन पहला ब्रैकेट प्लस बी अपॉन सेकंड ब्रैकेट, तो देयरफॉर ध्यान देना आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए था, ए अपॉन पहला ब्रैकेट आपका क्या था, सॉरी ए की वैल्यू है मेरे पास, ए की वैल्यू क्या है, वन अपॉन टू ए, ध्यान देना बच्चों, पहला ब्रैकेट क्या था, यहाँ पे देख लो एक्स माइनस ए, ठीक है, ये dx सेपरेट भी कर रहा हूँ, ऐसे भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी लिख के बाद में सेपरेट कर सकते हो। b की वैल्यू क्या मिली, माइनस वन अपॉन टू ए, समझ में आ रहा, सेकंड ब्रैकेट क्या था x प्लस ए, ठीक है, और ये dx, समझा इतना। अब वन अपॉन टू ए कॉन्स्टेंट है,
इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस a dx माइनस 1 अपॉन 2a कांस्टेंट के बाहर ले लिया 1 अपॉन x प्लस a dx। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, तो 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x हो गया, समझ में आ रहा है, माइनस 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस a प्लस k, समझा, कितना समझा। अब यहाँ पे कुछ कॉमन है क्योंकि आंसर ऐसा नहीं आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने तौर करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देखोगे आंसर ऐसा फॉर्म में दिया नहीं है, तो आपका आंसर मेरे हिसाब से सी वाला मैच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अपॉन 2a कांस्टेंट है, बाहर ले लो, कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा, लॉग ऑफ x माइनस a माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस a, समझ में आ रहा है, प्लस k। यहाँ पे आपको लॉग की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, बच्चों लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b क्या होता है, लॉग ऑफ a बाय b, लॉग ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, a ये हो गया और ये आपका b वाला, समझ में आया, प्लस k। लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b क्या होता है, लॉग ऑफ a बाय b, वही प्रॉपर्टी हम लोग ने यूज किया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, ये मॉड ऑफ कर दो, x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस के, तो और ये ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी यहाँ पे मैच होता है, तो 12th का ऑप्शन इज सी, समझा, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते, क्या दिया, यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यू इनटू वी रूल टू इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेश्यू 3x dx, बहुत ही सिंपल है, सॉल्व कर लेते हैं अभी, यू इंटू वी रूल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक्स स्क्वायर 13x स्क्वायर ई रेश्यू 3x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर दिया ना, एक्स स्क्वायर ई रेश टू 3x dx। अब यहाँ पे आपको लीएट वाला याद होना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे सिंस एक्सपोनेंशियल लास्ट में ही आता है, तो यहाँ पे लास्ट में ही है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है, अगर एक्सपोनेंशियल लास्ट में तो ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर dx, ओके, तो ये u हो गया, ये v हो गया। रूल क्या बोलता है, यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी, मतलब यू इंटू वी रूल अप्लाई करो, यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ई रेश टू 3x dx माइनस द होल इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ u है, यहाँ पे क्या देता है, डेरिवेटिव ऑफ u, तो डेरिवेटिव ऑफ u मतलब x स्क्वायर का ये डेरिवेटिव, यहाँ पे हम निकालेंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v था, तो समझ में आ रहा है, ये dx द होल dx आपको लगाना है, समझ में आया, ये हो गया। अब x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x क्या होता है, e रेस टू x, e रेस टू 3x, बट यहाँ पे ध्यान देना डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x आएगा, जैसे डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई बाय आता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, यहाँ पे वापस बता रहा हूँ, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x आता है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन में डिवाइड, तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 3 किया, माइनस द होल इंटीग्रेशन को ऐसे रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या आएगा 2x, यहाँ पे अगेन इंटीग्रेशन ऑफ e रेश टू 3x क्या आएगा, e रेश टू 3x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x द होल dx, समझा। अब यहाँ पे ये x स्क्वायर e रेश टू 3x डिवाइड बाय 3 कर दिया, माइनस 2 कांस्टेंट बाहर ले लो, 2 बाय 3 कॉन्स्टेंट है, पूरा बाहर ले लो, ये 2 बाय 3 बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई रेस टू 3x, ये dx, इतना समझा। अभी प्लस के क्यों नहीं लिखा हूं, क्योंकि पूरा इंटीग्रेट नहीं हुआ, जब पूरा इंटीग्रेट हो तभी प्लस के लिखेगा, तो यहाँ पे आप क्या करो, इस पार्ट को अलग से सॉल्व कर लो, थोड़ा क्या बार बार लिखने के लिए, लिखने से अच्छा इसको अलग से सॉल्व करो, फिर उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देयरफॉर i1 ऐसा लिख सकते हो, i1 इज इक्वल टू, या लेट i1 इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेट i1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू e रेस टू 3x, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 3x dx, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, अलग से सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगेन आपको u इनटू v रूल अप्लाई करना है, तो ये u है, ये v है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, u इंटीग्रेशन ऑफ v, समझ में आ रहा है, dx माइनस द होल इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ u, तो डेरिवेटिव ऑफ x आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v है, बच्चों ये सब प्रैक्टिस करो तो आपको समझिएगा, ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब x इंटीग्रेशन ऑफ e रेश टू 3x अभी हम लोग ने सॉल्व किया, ऐसा था डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस द होल इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ x 1 इनटू e रेश टू 3x का इंटीग्रेशन, e रेश टू 3x डिवाइड बाय 3, और ये dx, क्योंकि एक डबल इंटीग्रेट होता है अंदर वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बार इंटीग्रेट करो, एक बड़ा इंटीग्रेशन बाकी रहता है, तो वहां पे भी भूल मत जाना, तो x इनटू e रेश टू 3x डिवाइड बाय 3 माइनस, यहाँ पे 1/3 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा, e रेश टू 3x dx, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, x इंटू ई रेस टू 3x डिवाइड बाय 3 माइनस 1/3 e रेस टू 3x डिवाइड बाय अगेन कोएफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ पे प्लस k, क्योंकि फाइनली ये इंटीग्रेट हो रहा है, ये i1 है, 3 3 जाएगा कितना हो जाएगा 9, तो इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे,
माइनस ई रेस टू थ्री एक्स अपॉन नाइन प्लस के। अब ये मेरा क्या है आई वन, इसको हम क्या करेंगे वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे आई में, समझ में आ रहा है, ये जो हम आई यहाँ पे फाइंड आउट करना था। तो ये क्या जाएगा देयरफॉर आई इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेस टू थ्री एक्स डिवाइड बाई थ्री, ये था पहले एक्स स्क्वायर था, सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू थ्री एक्स डिवाइड बाई थ्री, हाँ माइनस टू बाई थ्री था, माइनस टू बाय थ्री, और ये पूरा ब्रैकेट के बाहर आएगा, ये चीज यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे आई वन की ये, क्योंकि इसको ही हम लोग ने आई वन लिया था इस पूरे पार्ट को, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे आपको अभी सब्स्टिट्यूट करना है ये वैल्यू जो हमको यहाँ पे मिला है। तो ये क्या जाएगा x into e raise to 3x divide by 3 minus e raise to 3x divide by 9 plus k को बाहर लिखो कांस्टेंट है। अब क्या करो x square into e raise to 3x divide by 3 minus 2 by 9, 2 by 3 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x into e raise to 3x minus minus plus 9 3 जा 27, तो 2 by 27 e raise to 3x plus k, क्योंकि आंसर हमको फाइनली सॉल्व करने के बाद ही मिलेगा। हमारा ये आंसर है, चेक कर लो ऑप्शन, इधर है 2 by 27 देखो पहले, x square e raise to 3x divide by 3, x square e raise to 3x divide by minus 2 by 9, minus 2 by 9 divide by यहाँ दिया x into e raise to 3x plus 2 by 27 e raise to 3x, ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मैच हो रहा है, ठीक है। तो ए जो हमारा 13th का ऑप्शन क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है, बहुत ही सिंपल था बच्चों, प्रैक्टिस चाहिए और मतलब फटाफट आप यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। 14 रीड करता हूँ, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ log x नहीं है, डेरिवेटिव ऑफ log x होता है, क्या करेंगे u into v रूल अप्लाई करेंगे, log x into 1 लेंगे, समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, i इज इक्वल टू क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, ऐसा दिया हो तो क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ log x into 1 लेना है, ठीक है, तो ये u ये v हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और आप अगर लिएट का रूल देखोगे तो पहले ही लॉगरिथमिक आता है, तो यहाँ पे आपको आगे आपको जाना ही नहीं, तो आपको यू पहले ही लेना पड़ेगा, तो लॉगरिथमिक है तो अब ये चलेगा, क्योंकि फर्स्ट क्या था लॉग, तो लॉग ही आपका पहले आ रहा है, समझ में आया। तो अब इसको अप्लाई कर दो यू इनटू वी रूल, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, समझ में आ रहा है, माइनस द होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ यू, दैट इज लॉग एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स द होल डी एक्स, समझा। अब यहाँ पे log x इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होता है x, समझ में आ रहा, माइनस द होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x वन अपॉन x, इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होगा x द होल dx। अब यहाँ पे x x कैंसल, क्या बचेगा log x इंटू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन dx, वन बचा ब्रैकेट के अंदर, क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू log x इंटू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या हो जाएगा x प्लस k, समझ में आया। तो log x इंटू x माइनस x प्लस k, चेक कर लो ऑप्शन, log x a b c d, तो 14th का ऑप्शन बच्चों यहाँ पे log x into x, तो log x into x है माइनस x प्लस k, तो यहाँ पे आप देखो ये x square लिखा रही है, अगर ये x square नहीं आएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर b होगा, बट यहाँ पे x square दिया है तो हमारा कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आएगा d वाला, समझ में आया। x square की जगह पे अगर x देता ऑप्शन नंबर b में, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता b हो जाता, तो यहाँ पे क्या दिया है x की जगह पे x का स्क्वायर दिया है, कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, तो सिंस नन ऑफ दिस, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14th का ऑप्शन इज डी वाला। 15th वाला देख चेक कर, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू e रेस टू x, अगेन यहाँ पे u इनटू v रूल आपको अप्लाई करना है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू e रेस टू x dx, u v एक्सपोनेंशियल लास्ट में ही आता है, लिएट का रूल l i a t, ठीक है, तो u इनटू v रूल अप्लाई कर दो, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस द होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज x इंटीग्रेशन ऑफ v अगेन यहाँ पे फिर द होल dx, समझा। तो ये क्या x e raise to x का इंटीग्रेशन e raise to x माइनस द होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x 1 e raise to x का इंटीग्रेशन e raise to x द होल dx, ब्रैकेट में क्या बचा 1 into e raise to x, क्या होगा e raise to x, तो माइनस द इंटीग्रेशन ऑफ कुछ ऐसा बच जाएगा, समझ में आ रहा है। तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x into e raise to x minus e raise to x का इंटीग्रेशन e raise to x plus k, आ गया, हाँ चेक कर लो ऑप्शन, ऑप्शन हाँ ठीक है, यहाँ पे e raise to x को कॉमन लेना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे i इज इक्वल टू e raise to x को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा x minus 1 plus k, अभी यहाँ पे मैच करो, e raise to x को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा x minus 1 plus k, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, समझ में आया बच्चों, स्पीड नहीं जा रहा, ठीक है, ऐसे टाइप का सम हम लोग ने एक दो सम सॉल्व किया और बहुत डिटेल में सॉल्व किया, तो इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड बढ़ा, आप सॉल्व करो, फॉर्मूला अप्लाई करो, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेरिवेटिव का भी याद होना चाहिए, तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, नहीं याद है पिछला वीडियो देखो, प्लेलिस्ट में जाओ वीडियो देखो, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
पे इतना क्लियर हो गया। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 16 को रीड कर दो, क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का स्क्वायर डीएक्स एंड द रिजल्ट इज, ठीक है सॉल्व कर लेते हैं। यू इनटू वी रूल अगेन आपको अप्लाई करना है, थोड़ा सा यहाँ से ये लंबा होगा क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान देना थोड़ा। इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का स्क्वायर दिया है इंटू वन लेंगे, अब मैं यहाँ पे डाल ये यू ए वी हो जाएगा, समझ में आया, यू इंटू वी रूल ऐसे आपको सॉल्व करना है, समझा। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी रूल अप्लाई कर दो, यू समझ में आ रहा है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी होता है माइनस द होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ यू, डेरिवेटिव ऑफ ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे, सिंपल है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स डी होल डी एक्स। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, लॉग एक्स को कुछ नहीं करना, लॉग एक्स स्क्वायर को, तो इसको ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होगा, एक्स माइनस द होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स का स्क्वायर है, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, तो टू इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स रेस टू एन माइनस वन मतलब टू माइनस वन वन हो गया, तो लॉग एक्स का पावर वन मतलब वन हो गया, ठीक है समझा इतना। फिर क्या करेंगे, चेन रूल आता है इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, समझ में आ रहा है, ये यहाँ पे चेन रूल आता है, चेन रूल आपको याद होना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, लॉग एक्स का स्क्वायर है, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो क्या होता है एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, उसी तरीके से टू इंटू लॉग एक्स का पावर टू माइनस वन, तो लेकिन इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स डिफरेंशिएट नहीं होगा, तो क्या करेंगे डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स ले लेंगे, समझ में आ रहा है, तो क्या आएगा टू इंटू लॉग एक्स, ये लॉग एक्स है, टू का लॉग एक्स का पावर टू माइनस वन दैट इज वन, वो इसके लिए मैंने वैसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या आएगा वन अपॉन एक्स, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या आ जाएगा वन अपॉन एक्स, समझा आपको, अभी क्लियर हो जाना चाहिए, कुछ डाउट है आप पूछ सकते हो, क्योंकि चेन रूल आपको याद होना चाहिए बच्चों, डेरिवेटिव हो चुका है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे लॉग एक्स होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या आएगा एक्स और द होल डी एक्स, यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है ये पार्ट, समझ में आ रहा है, यहाँ पे बचेगा क्या, अभी लॉग एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस क्या कॉन्स्टेंट बाहर ले लो, माइनस टू, टू कॉन्स्टेंट बाहर ले, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा लॉग एक्स इंटू डी एक्स, अब यहाँ पे ध्यान देना लॉग एक्स का इंटीग्रेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे इंटू वन लेंगे, तो ये अगेन यू इंटू वी रूल होगा, जैसे कि इसके प्रीवियस एक क्वेश्चन में उन्होंने सॉल्व किया, इसको पूरे पार्ट को आई वन ले लिया था, क्योंकि बार बार ये चीजें लिखना सही नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको आई वन लेके सॉल्व करेंगे, वापस इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, समझा, इसको आई वन ले लेंगे, लेट आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स इंटू वन डी एक्स, इसको सॉल्व करो वहां पे सब्स्टिट्यूट करो, सिंपल है, क्योंकि बार बार ये आपको लिखने से अच्छा है इसको अलग ही ले लो, ऐसा हम इंटीग्रेशन में करते हैं, समझा, तो यू इंटू वी रूल, तो यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस द होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे क्या आएगा यू दैट इज लॉग एक्स का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स डी होल डी एक्स, समझा, अब इसको सॉल्व कर लो, लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वन एक्स माइनस द होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स वन अपॉन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वन एक्स डी होल डी एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, ये डी एक्स है, ठीक है, क्या बचेगा लॉग एक्स इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बच्चों यहाँ पे वन डी एक्स बच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आई वन फाइनली हमारा लॉग एक्स इंटू एक्स माइनस ये एक्स प्लस के, समझा, इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होता है एक्स, तो प्लस के कॉन्स्टेंट हमको लिखना है, क्योंकि ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है, ये हमारा क्या था आई, अब यहाँ पे रिसब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो आई वन की वैल्यू, ठीक है, तो क्या आ जाएगा देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या मिला था हमको यहाँ पे लॉग एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स, तो लॉग एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स, उसके बाद माइनस टू, ये आई वन की वैल्यू है, वही सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस के, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे ऑप्शन चेक कर लो यहाँ पे, हाँ टू को मल्टीप्लाई किया, तो हम क्या करेंगे therefore i equals to 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, log x का स्क्वायर इंटू x माइनस टू एक्स इंटू लॉग एक्स, ये माइनस माइनस प्लस टू एक्स प्लस के, समझा, अब यहाँ चेक कर लो क्या दिया है x इंटू लॉग x का स्क्वायर, x इंटू लॉग ये थोड़ा x इधर लिखा, ठीक है, 2 इंटू 3 3 इंटू 2 एक ही होता है, तो x इंटू लॉग x का स्क्वायर, एक्स इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर एम एच हुआ माइनस टू एक्स लॉग एक्स माइनस टू एक्स लॉग एक्स प्लस टू एक्स प्लस के प्लस टू, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच होता है, क्वेश्चन नंबर 16 का इस ऑप्शन इज ए, समझा, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं बच्चों, ये थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा सम है, ठीक है, सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे ध्यान देना आपको यहाँ पे जो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है और आपका टाइप टू यहाँ पे काम आएगा, समझ में आया, तो वो आप इंट्रोडक्शन में देख सकते हो, हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस फाइव डिवाइड बाय एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू का स्क्वायर, एक्स प्लस वन यहाँ पे एक्स प्लस टू का स्क्वायर डी एक्स, बच्चों यहाँ पे आपको टाइप टू याद होना चाहिए, नहीं तो ये बहुत बोरिंग लगेगा, ठीक है, लेट्स एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस वन
डिवाइड बाय x प्लस टू का स्क्वायर, ऐसे ही इसको कैसे लेते हैं, a अपॉन एक ब्रैकेट लेंगे x प्लस वन प्लस b अपॉन दूसरे का जैसे स्क्वायर है तो एक लेंगे उसमें, ठीक है, प्लस c अपॉन x प्लस टू का स्क्वायर लेंगे, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, समझा। अब यहाँ पे ध्यान देना, therefore मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब आपको याद होना चाहिए, इसके पहले जैसे हम लोगों ने सम सॉल्व किया मैंने पूरा डिटेल में बताया, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, नीचे का डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल हो जाता है, ठीक है, ऊपर का ही हमको यहाँ पे ध्यान देना, तो therefore x plus 5 is equals to a में x plus 1 है, समझ में आ रहा है, तो मुझे क्या चाहिए, x plus 2 का स्क्वायर, तो होल स्क्वायर, समझा, खत्म, प्लस बी, बी के साथ मेरे पास x plus 2 है लेकिन एक है, यहाँ पे दो दो x plus 2 है, उसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक x प्लस टू चाहिए और x प्लस वन भी चाहिए, समझ में आ रहा, क्योंकि यहाँ पे एक ही x प्लस टू है, तो एक और चाहिए x प्लस टू और x प्लस वन तो नहीं है, वो चाहिए ही चाहिए, समझ में आया, प्लस c, c में क्या x प्लस टू का था, होल स्क्वायर है, क्या नहीं है, x प्लस वन, तो यहाँ पे x प्लस वन लिख दो, समझ में आया आपको, क्या नहीं है वही लिखना है, बाकी डिनोमिनेटर आपका कैंसिल ही हो जाता है, समझ में आया। अब यहाँ पे क्या करना है, पुट वाला सिस्टम करना और ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, वो यहाँ पे देख लेते कहते, तो अगर मैं पुट x इक्वल टू माइनस वन करता हूँ, ध्यान देना माइनस वन करने पे b और c हमारा जीरो हो रहा है, तो देयरफॉर माइनस वन प्लस फोर सॉरी प्लस फाइव आएगा, माइनस वन प्लस फाइव इज इक्वल टू a माइनस वन प्लस टू का स्क्वायर प्लस b, ये बच्चों आपको मालूम है जीरो हो जाएगा, तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस वन प्लस फाइव कितना हो जाएगा, फोर इज इक्वल टू a और ये माइनस वन प्लस टू, वन का माइनस वन प्लस टू, ठीक है, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा वन का स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे फोर, समझा, इसी तरीके से आपको बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो अभी ये हमारा हो गया, अभी क्या करेंगे हम, एक्स इक्वल टू अगर हम माइनस टू डालते हैं तो यहाँ पे ए और बी जीरो हो जाएगा, सी की वैल्यू मिल जाएगी, तो वो कर लेते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू प्लस फाइव इज इक्वल टू, ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, प्लस यहाँ पे b की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है, प्लस c में क्या था x प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू प्लस वन, समझ में आया, तो यहाँ पे अभी ये माइनस टू प्लस फाइव ये कितना हो जाएगा थ्री इज इक्वल टू माइनस टू प्लस वन माइनस c, तो देयरफॉर c इज इक्वल टू माइनस थ्री हो गया, समझ में आया इतना, c इक्वल टू माइनस थ्री। अभी आप यहाँ पे एक तरीका अप्लाई कर सकते हो, जैसे ए बी का वैल्यू मिल गया बट हमको सिंस वहां पे x कुछ तो भी डालना पड़ेगा टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जो रिमेनिंग है, मतलब b वाला, समझ में आया, a b का वैल्यू हम उसमें डालेंगे प्लस c x का वैल्यू कुछ तो भी लेंगे, जीरो माइनस वन वन जो भी आपको पसंद हो ले सकते हो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x की वैल्यू अभी जीरो लेंगे, तो सिंस हमको बहुत इजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए, और ए बी की वैल्यू हमारे पास ए सी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मिल गई है, तो हमको बी का वैल्यू मिल जाएगा, अब यहाँ पे वो सॉल्व कर लेते तो आपको समझेगा, तो पुट x इज इक्वल टू जीरो, आप कुछ भी ले सकते हो बच्चों, मैं वापस रिपीट करूंगा, तो बट जीरो काफी इजी होता है सॉल्व करने के लिए, तो हम क्या करेंगे पुट x इक्वल टू जीरो ले लिए, a और c की वैल्यू है हमारे पास, तो हमको b की वैल्यू इजिली मिल जाएगी, तो ये क्या जाएगा जीरो प्लस फाइव इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे a a a की वैल्यू कितनी मिली वहां पे चेक कर लो फोर और x प्लस टू का स्क्वायर, तो जीरो प्लस टू का स्क्वायर, समझा, प्लस बी में क्या था बी की वैल्यू चाहिए जीरो प्लस टू आ जाएगा जीरो प्लस वन, समझ में आ रहा है, तो ये जीरो प्लस टू और ये जीरो प्लस वन हो जाएगा, प्लस सी की वैल्यू है हमारे पास माइनस थ्री, तो यहाँ पे प्लस नहीं ये माइनस थ्री आएगा, और सी के साथ क्या था एक्स प्लस वन था ना यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो प्लस वन, समझा, अब इसको सॉल्व कर लो आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी, तो जीरो प्लस फाइव फाइव, जीरो प्लस टू टू, टू का स्क्वायर चार, चार प्लस चार सोलह, प्लस बी जीरो प्लस टू टू, जीरो प्लस वन वन, वन इंटू टू टू इंटू टू है ये, माइनस थ्री आ जाएगा, जीरो प्लस वन वन इंटू थ्री थ्री, समझा, तो यहाँ पे सिक्सटीन में से तीन गया कितना जाएगा तेरह, फाइव माइनस ये तेरह हो जाएगा इक्वल टू टू बी, तो ये कितना हो जाएगा माइनस एट इज इक्वल टू टू बी, देयरफॉर बी इज इक्वल टू माइनस फोर, समझा, तो बी की वैल्यू यहाँ पे हमको क्या मिल गई माइनस फोर, अब हम क्या करेंगे सब्सटीट्यूट कर देंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या था हमारा a अपॉन पहला ब्रैकेट ये आ जाएगा पूरा इसकी जगह पे, ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट इसकी जगह पे आ जाएगा, तो a अपॉन x प्लस वन है, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन x प्लस वन dx, सेपरेट भी कर रहा हूँ साथ में, b की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस फोर, बट b के नीचे क्या है x प्लस टू, समझ में आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस, मैंने इधर ले लिया ध्यान देना, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो माइनस फोर, अब b के नीचे क्या था यहाँ पे आपको
एक्स प्लस टू द होल डी एक्स, समझा। उसके बाद आपको प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी की वैल्यू क्या मिली है, माइनस थ्री। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ अभी के लिए, डिवाइड बाय क्या था, एक्स प्लस टू का स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेटेड करेगा, इजी हो जाएगा अगर आपको सॉल्व करना आता होगा, आपने इंट्रोडक्शन देखा हो तो काफी सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे तो आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 dx माइनस, इधर आ गया 4 कांस्टेंट है बाहर, 1 अपॉन x प्लस 2 dx माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये x प्लस 2 का स्क्वायर dx। तो ये तो दोनों सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 4 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस 4 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2, ठीक है, क्योंकि 1 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ x, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, तो वही यहाँ पे मैंने अप्लाई किया। अब यहाँ पे बच्चों आपको ध्यान देना, यहाँ पे एक्स का द होल स्क्वायर है एक्स प्लस टू का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसको मैं अभी के लिए आई वन लेता हूँ, इस चीज को आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पे फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ। देयरफॉर आई वन इक्वल टू क्या लिया, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस टू का स्क्वायर है ना, डी एक्स, समझा इतना। अब यहाँ पे आप एक तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ इसको कुछ इस तरीके से करके, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में गया। अब यहाँ पे क्या करो, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो x रेस टू n का, तो क्या आ जाएगा, x प्लस टू रेस टू माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाय माइनस टू प्लस वन प्लस के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस टू रेस टू माइनस टू प्लस वन माइनस वन, और यहाँ पे माइनस वन, तो आंसर क्या आएगा, माइनस वन अपॉन, ये नेगेटिव नीचे आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, समझ में आ रहा है, और प्लस के, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ये क्या हो गया, I1। एक ऐसे तो हो गया, अगर आपको ऐसा नहीं समझता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, वो भी, वो कैसे करेंगे, वो यहाँ पे भी, वो भी देख लो, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन क्या था, x प्लस टू का हो, आपको आंसर सेम आएगा। इसको हम टी लेंगे, देयरफॉर टी, लेट टी इज इक्वल टू x प्लस टू, तो dt डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, dt by dx is equals to derivative of x1 plus 2 का constant 0, हमको dx चाहिए तो therefore dt equals to क्या हो जाएगा, dx, इसको इधर भेज देंगे तो dt आपका dx हो गया, तो integration of 1 upon, आपने इसको ही तो t लिया था, ये क्या हो जाएगा, t का square और dx आपका dt हो गया, integration apply कर दो, ये ऊपर चले जाएगा तो integration of t minus 2 हो जाएगा dt, समझ में आया। apply करने पे t raise to minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 plus k, समझ में आ रहा है, तो t का पावर कितना जाएगा, minus 1 divided by minus 1 यहाँ पे, तो minus आपको ये बाहर आएगा, तो t raise to minus 1 plus k, तो यहाँ पे आपको t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना है, क्या है वो, x plus 2, तो आप देखोगे minus, और यहाँ पे t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट x plus 2 raise to minus 1 plus k, अब ये minus 1 है, ऊपर negative है, तो नीचे आएगा positive, तो minus 1 upon x plus 2 plus k, ये क्या है, आई1। बच्चों आप देखोगे आपको आंसर सेम मिलेगा, यहाँ पे माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू प्लस के, तो यहाँ पे आपकी मर्जी, आप कैसे सॉल्व करते हो, या डायरेक्ट उसमें सॉल्व ही कर सकते हो, अगर आपको प्रैक्टिस है, अच्छे से आपको मालूम है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इतना आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए कि किस पार्ट को हमको टी लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया अभी आई1 की जगह पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, क्या आएगा मेरा, माइनस ब्रैकेट में रहता हूँ, माइनस वन अपॉन ये एक्स प्लस टू, ये पूरा प्लस के फाइनली क्या है, समझा, क्योंकि यहाँ पे माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू आया, तो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस, माइनस माइनस ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो जो फाइनल आंसर मिलेगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपको, इज आई इज इक्वल टू फोर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वन माइनस फोर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस टू प्लस, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस टू, ठीक है, प्लस थ्री था, वन अपॉन एक्स प्लस टू प्लस के, ठीक है, यहाँ पे थ्री था, ध्यान देना थ्री था, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, वन अपॉन एक्स प्लस टू प्लस के, समझा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों ये 17 सॉल्व हो गया। ऑप्शन यहाँ पे चेक कर लो, फोर लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है, माइनस फोर लॉग ऑफ एक्स प्लस टू, ठीक है, प्लस थ्री अपॉन x प्लस टू प्लस के, प्लस थ्री अपन x प्लस टू, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ पे मैच होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन इज ए, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे ध्यान देना और अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अभी 18 और 19 और 23 ही बचा है, और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये भी सिंपल है, इंटीग्रेशन वैसे ही अप्लाई करना है, बस
अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करना, ठीक है। वो कैसा है यहाँ पे देख लेते, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, I is equals to integration of 0 to 1, ऐसा रीड करते हैं, 2x का स्क्वायर माइनस x क्यूब इनटू dx, 2x का स्क्वायर माइनस x क्यूब dx, ठीक है, बहुत सिंपल है। इंटीग्रेशन आप वैसे ही अप्लाई करो जैसे आप अप्लाई करते हो, क्या कॉन्स्टेंट 2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 x स्क्वायर dx माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, कुछ कॉन्स्टेंट नहीं है तो बाहर नहीं लेंगे, इसको ऐसे सेपरेट कर दिया, अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई कर दिया, सब लिख दिया, अब इंटीग्रेट कर दो, 2 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था, x क्यूब बाय क्यूब, ठीक है, यहाँ पे ऐसा आपको अप्लाई करना है, माइनस x क्यूब का इंटीग्रेशन x रेस टू 4 बाय 4, समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा 0 टू 1, प्लस के नहीं लिखेंगे क्योंकि ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन, समझा, आई तो आई इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2 बाय 3 कॉन्स्टेंट है बच्चों, तो इसको कुछ और सिंपल बना दो, ऐसे लिख के माइनस 1 बाय 4 कॉन्स्टेंट है ऐसा बना दो, आपको ये थोड़ा सिंपल हो जाता हमारे लिए, तो ये 2 बाय 3 बाहर आ गया, x की जगह पे अपर लिमिट एक बार डालेंगे तो 1 का क्यूब माइनस अगेन लोअर लिमिट, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं हम लोग, वहां पे x की जगह पे एक बार 1 डालेंगे अपर लिमिट और अगेन माइनस x की जगह पे 0 डालेंगे दैट इज लोअर लिमिट हमारा, तो 0 का क्यूब, समझ में आ रहा है, माइनस 1 बाय 4 यहाँ पे क्या 1 का पावर 4 माइनस 0 का पावर 4, समझ में आ रहा है, x की जगह पे एक बार अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको करना है, तो x की जगह पे 1 डाला 1 रेशो 4 माइनस x की जगह पे 0 डाला 0 रेशो 4, समझ में आ, तो ये क्या हो जाएगा i = 2 / 3 1 - 0 1 हो गया माइनस 1 / 4 1 माइनस 0 1 हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 4 टू द 8 माइनस 3 * 1 3 डिवाइड बाय 4 3 = 12 8 में से 3 गया 5 5 बार 12 5 / 12 5 / 12 हमारा आंसर है 5 / 12 दैट इज ऑप्शन नंबर बी, समझा, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 19 रीड करना, क्या दिया, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू 4 3x - 2x cos 2x द होल स्क्वायर dx एंड द वैल्यूज, ये बहुत ही सिंपल है, ये भी हम क्या करेंगे यहां पे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं बट उसके लिए पूरा यहां पे आपका जो अपर लिमिट लोअर लिमिट भी चेंज होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, वो आपको समझना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, तो आप डायरेक्ट सॉल्व करना आपको आना चाहिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू 4 3x माइनस 2 स्क्वायर dx, ठीक है, अभी यहाँ पे अगर नॉर्मल इंटीग्रेशन होता जैसे यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं होता तो हम TDT करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स भी चेंज होते हैं अगर हम टी लेते हैं तो, ठीक है, तो हम क्या करें यहाँ पे इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, यहाँ पे ध्यान देना, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये क्या दिया एक्स रेस टू एन का आपको इंटीग्रेशन देखना है, वही फॉर्मुला अप्लाई करो, एक्स रेस टू एन का फॉर्मुला क्या होता है एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 2 रेस टू 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, समझे, ये क्या 2 प्लस 1, अब यहाँ पे इसको ऐसा लगा दो 2 टू 4, समझ में आया, बट यहाँ पे आपको एक चीज और क्या देनी है, ध्यान देनी है डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x मत भूलना, ठीक है, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, इसमें क्या करेंगे डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 3, तो 1 अपॉन 3, ये चीज याद रखना, तो आंसर रॉन्ग आएगा, समझा, तो ये ब्रैकेट में हो गया, ये क्या आ जाएगा 3x माइनस 2 रेस टू 2 प्लस 1 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 3 3 इंटू 3 9, समझ में आया, इसको सॉल्व करेंगे अभी आगे थोड़ा, अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या है 1 बाय 9, इसको बाहर ले लो, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 3x माइनस 2 और ये 2 टू 4, ये क्या है क्यूब है बच्चों, ध्यान देना, अब x की जगह पे क्या डालेंगे एक बार 4 एक बार 2, देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन 9, यहाँ पे ब्रैकेट में 3, ध्यान देना x की जगह पे एक बार 4 डाल रहा हूँ माइनस 2 का क्यूब, समझा, माइनस अपर लिमिट का हो गया लोअर लिमिट में 3, x की जगह पे 2 डाला माइनस 2 द होल क्यूब, समझा, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, ठीक है, 1 अपॉन 9 4 3 = 12, समझ में आ रहा है 4 3 = 12 12 माइनस 2 10 10 का क्यूब 1000 माइनस 3 2 = 6 6 में से 2 गया 4 4 का क्यूब 64 4 का क्यूब इज 64, इसको माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 9 1000 माइनस 64 कितना आ जाएगा 936, समझ में आ रहा है 936, अब क्या करो इसको यहाँ पे कैंसिल कर दो तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 936 डिवाइड बाय 9 दैट इज 104 आपका आंसर आएगा, यहाँ पे आप ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन क्या आपका ए वाला आपका ऑप्शन है जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, समझा, तो क्वेश्चन नंबर 19 वाला यहाँ पे ऐसे ही आप डायरेक्ट सॉल्व करो बहुत ही सिंपल है और वैसा जाएंगे मेथड सब्स्टिट्यूशन काफी टाइम जाएगा, ठीक है, और वहाँ पे पूरे लिमिट्स भी चेंज होते हैं, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आप ये डायरेक्ट वाला मेथड यूज करो, आपको खाली ध्यान क्या रखना है डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आपको हमेशा ध्यान में रखना, बाकी ऐसे 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 सम में आप
ये डायरेक्ट वाला यूज करो एक्स रे टू इनका प्रॉपर्टी अगर ऐसा सम आता है और वहाँ पे डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स देना, अगर यहाँ पे थ्री नहीं होता तो काफी सिंपल हो जाता, बट सिंस यहाँ पे थ्री है तो हमको डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स करना है। समझ में आया? तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 19 जो टोटली खत्म होता है, मैंने आपको बताया कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, बहुत सिंपल तरीका बताया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के लिए, ठीक है, हम आ जाते हैं। क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 एक्स इंटू यू, तो यहाँ पे यू इंटू वी रूल आपको अप्लाई करना है सिंपली, और यहाँ पे आपको डायरेक्टली उसका अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्या दिया है, I is equal to integration of 0 to 1 x into e raised to x dx, ठीक है, फटाफट सॉल्व कर लेंगे। ऐसे सम को हमने सॉल्व ही किया है, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, u integration of v 0 to 1 dx minus the whole integration 0 to 1 derivative of क्या आ जाएगा यहाँ पे u that is x integration of e raised to x dx the whole dx, समझा, 0 to 1। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो x integration of e raised to x। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इस पीरो को ऐसा जब इंटीग्रेट आप यहाँ पे कर दो डेफिनेट में, तो यहाँ पे पूरे को क्या कर दो 0 टू 1, समझ आ रहा है, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दो, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 डेरिवेटिव ऑफ x 1 e रेस्ट टू x का इंटीग्रेशन e रेस्ट टू x, समझ में आया। अभी यहाँ पे एक इंटीग्रेशन बाकी है, इसके लिए मैं यहाँ पे नहीं लगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 इंटू ई रेस्ट टू 1 अपर लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, माइनस 0 इंटू ई रेस्ट टू 0, समझ में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पे एक बार 1 डालना, x की जगह पे एक बार 0 डालना, माइनस अब यहाँ पे ध्यान दो, ई रेस्ट टू एक्स 1 इंटू ई रेस्ट टू x क्या आएगा, ई रेस्ट टू x, ठीक है, फिर ई रेस्ट टू x का इंटीग्रेशन ई रेस्ट टू x, और यहाँ पे अपर लिमिट डायरेक्ट लगा दिया, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 1 इंटू ई रेस्ट टू 1 ई रेस्ट टू 1 दैट इज ई, माइनस ये पूरा 0 के 0 हो जाएगा, समझ में, माइनस यहाँ पे क्या जाएगा, एक बार अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो ई एक्स की जगह पे एक बार 1 और x की जगह पे एक बार 0, समझ में आया। तो यहाँ पे ये क्या जाएगा, e माइनस ये e का पावर 1 e माइनस माइनस प्लस एनीथिंग रेस टू 0 क्या हो जाता है 1, e रेस टू 0 क्या हो जाएगा आपका 1, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, और ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस e प्लस e माइनस e कैंसिल, तो फाइनली आपको i इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 1। तो हमारा जो 20th का ऑप्शन इज ए वाला, क्वेश्चन नंबर डी, समझ में आया, क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पे डी, 20th का ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, डी वाला, समझा बच्चों। होप करता हूँ आपको ये जो हमने 11 से लेकर 20 तक सम सॉल्व किया आपको समझा होगा, कुछ भी अगर आपको डाउट है डिफिकल्ट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 21 से लेकर 30 तक, तब तक ले थैंक यू, धन्यवाद।